Hi there and welcome to this course of 3D modeling and design. In the second video of the series, we will design our first 3D model. This is the starting screen of Blender. Our file type will be a general. So this is the working area of Blender. जो भी मैं इंपोर्टेंट की प्रेस करूंगा या बटन प्रेस करूंगा वो आपको स्क्रीन के फ्रंट पर नज़र आ जाएगा। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक क्यूब है, क्यूब को सिलेक्ट किया हमने और उसे डिलीट कर दिया, अपने कैमरा और लाइट को हाइड कर दिया। हम आज एक टेबल डिज़ाइन करने वाले हैं। टेबल के लिए हम एक सिलेंडर से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि अपने मॉडल को एक बेसिक शेप से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता उसमें डिटेल्स ऐड करें। हम इसे स्केल करेंगे। स्केल करने के लिए हमने देखा था कि ये टूल है स्केल के लिए, लेकिन हम एक शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं एस। ऐसे ये हम जिस मर्ज़ी डायमेंशन में से स्केल से कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ हम इसे जी एक्सिस के अलोंग करवाना चाह रहे हैं, तो जी प्लस करेंगे तो ये स्केल लोग हो जाएगा। वंस अगेन एस एंड जी, एस एंड जी। ओके, यहाँ से हम अपने ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में जाएंगे। यहाँ से हम वायर एजेस में मोड में बॉटम को सिलेक्ट किया और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो फंक्शन मैं यूज़ करने वाला हूँ, जो हम बार बार यूज़ करेंगे और 3D मॉडलिंग में वो बहुत यूज़ होता है, एक्सट्रूड। ब्लेंडर में एक्सट्रूड करने के लिए हम ई प्रेस करते हैं, और अगर आपका एक्सट्रूड इस तरह हो रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो उसे जी के अलोंग लॉक करवाने के लिए या किसी भी डायरेक्शन में लॉक करवाने के लिए, लेट्स सपोज आप एक्स में करवाना चाह रहे हैं तो एक्स प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम वाई में सॉरी जी में करवाना चाह रहे हैं तो जी प्रेस करेंगे। एक बार फिर एक्सट्रूड करेंगे, जूम आउट, फिर से एक्सट्रूड, इन सबको सेलेक्ट करके रीस्केल के लिए हमने देखा था कि हम यहाँ से रीस्केल स्केल टूल यूज़ करेंगे, लेकिन फिर जैसे कि अभी हमने एक शॉर्टकट यूज़ किया एस, यहाँ पर दोबारा एस प्रेस करेंगे और इसे रीस्केल कर लें, सेलेक्ट दिस एंड रीस्केल। हम इस फेस को मज़ीद एक्सट्रूड करवाना चाह रहे हैं, ई प्रेस करेंगे और एक्सट्रूड हो गया। एक बार फिर से एस, और फाइनली हमारी टेबल की बेस। और फिर से इसे एक्सपोर्ट करेंगे और अब इसे स्केल कर लें, ये फाइनली हमारे टेबल की बेस तैयार। टॉप से स्टार्ट करते हैं, इसे हल्का सा इनवर्ट को स्केल कर लेंगे, ये हमारी नॉइस कर्व है, इसे एक्सट्रूड करेंगे, इसे फिर से एक्सट्रूड, और दी लास्ट टाइम इसे एक्सट्रूड करेंगे और अब इसे स्केल कर लेंगे, जूम आउट कर लेते हैं, इसे एक्सट्रूड कर लेते हैं, एक्सट्रूड किया। अब इसे एक एज पे कर्व देने के लिए इसके
दरमियान वाली लेयर को मैं स्लिप कैसे हमारा टेबल तैयार हो गया। फिर से ऑब्जेक्ट मोड पे जाते हैं, फिर यहाँ से एक्सरे मोड को बंद, यहाँ से सॉलिड मोड, और ये हमारा टेबल तैयार हो गया। इस टेबल को प्लेन पर लाने के लिए ग्रैब किया। अब लास्ट टाइम हम इसे यूज़ कर रहे थे मूव टूल से, लेकिन हम एक शॉर्टकट यूज़ करेंगे जी, और इसे सिर्फ जे के एक्सिस के लोग मूव करवाने के लिए जे को प्रेस करेंगे। नाइस, अब आपको एक फर्स्ट 3D मॉडल तैयार हो चुका है जो कि टेबल है। अब एक फ्लोर ऐड कर लेते हैं, उसके लिए ऐड मैश और प्लेन। प्लेन ऐड हो चुकी हुई है, लेकिन वो बहुत छोटी है, उसे स्केल करने के लिए एस। नाइस, ये आपका फर्स्ट 3D मॉडल तैयार हो गया। लेट्स टेक अ मोमेंट एंड अप्रिशिएट योर सेल्फ बिकॉज यू जस्ट हैव डिजाइन योर फर्स्ट 3D मॉडल। इस वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू 3D मॉडल डिजाइन करेंगे।